आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करने हैं और उनको डील कैसे करना है। अक्सर ये मसला तब पेश आता है जब आप मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हो या अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो और उसी के अंदर आपने मैथ्स के इक्वेशन कैसे इंसर्ट करने हैं। डॉक्टर टेक के एक नए वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लें और यहां पे इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाएगा। इंसर्ट रिबन के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले उसी वीडियो को वॉच कर लें। जैसे ही आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस रिबन के सबसे आखिर में आपके सामने आ जाएगा इक्वेशंस और उसके नीचे है सिंबल। आपने जहाँ पे भी इक्वेशन को एंटर करना है तो उसी जगह पे कर्सर ले जाए। जैसे ही यहाँ पे मैं अपना कर्सर ले आ चुका हूँ, फिर उसके बाद आप इक्वेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया टैब जो है डिज़ाइन के नाम से वो ओपन हो जाएगा, जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स के इक्वेशन से रिलेटेड एक नया टैब बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में देख ले तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं और टूल्स के अंदर यहाँ पे इक्वेशन वाला पोर्शन है। जो हमारे पास वेल नोन इक्वेशंस है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। जैसे एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, एक्सपेंशन ऑफ अ सम हो गया, तो ये हमारे पास वो वेल नोन इक्वेशंस है। अगर आपको ये इक्वेशंस चाहिए तो आप जस्ट उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर ले और ऑटोमेटिकली वही इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमने कोई दूसरा अपने तरफ से इक्वेशन लिखना है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। दोबारा आप इंसर्ट में चले जाएं, यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर आप क्लिक कर लें और इसी तरह ये हमारे पास ये इक्वेशन का टैब ओपन हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ज़रिए हम अपना इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स है, ठीक है, जो जो सिंबल्स जिनकी हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से उनको चूज़ कर सकते हैं। करंटली आपको थोड़े से शो हो रहे हैं पर ये बहुत ज़्यादा सिंबल्स है और हर तरह के सिंबल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है फ्रैक्शन। अगर हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन हो, डोमिनेटर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। जो हमारे पास कॉमन फंक्शंस वगैरह है तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ख़ुद से बनाना चाहते तो यहाँ पे हमारे पास उसके मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे ये वाला डिज़ाइन अगर आपको पसंद है, ये वाला डिज़ाइन पसंद है, ये वाला डिज़ाइन पसंद है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो या जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास आ गया और यहाँ पे अगर हमने उसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई सिंबल या कोई अल्फ़ाबेट हमने इंसर्ट करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसी तरह मैं वही लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमने इस इक्वेशन को आगे करना है तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर ले आया हूँ, फिर दोबारा मैं डिज़ाइन के ऊपर चला जाएगा। डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ़ तरह के सिंबल्स हैं। जैसे मुझे इक्वल वाला साइन चाहिए तो ये देखने मैंने इक्वल वाला साइन यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। फिर दोबारा से स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास पावर वाला ऑप्शन भी मौजूद है, बेस वाला ऑप्शन भी मौजूद है और ये जो दूसरे सिंबल्स है तो वो सारे सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 10^3, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया और फिर उसके बाद मैं पावर पर कर्सर के जो है वो मैंने एरो की के ज़रिए मूव कर लिया और यहाँ पर मैंने 3 कर लिया, तो ये देख लें हमारे पास 10^3 आ गया।
है। फिर उसके बाद प्लस या माइनस या ब्रैकेट का साइन लगाना है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। मैं ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये ऑलरेडी अगर आप स्ट्रक्चर में देख ले तो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो हम ये मुख्तलिफ तरह के ब्रैकेट्स वगैरह वो हम बाई डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। जैसे मैं इस ब्रैकेट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये देख ले ये वो ब्रैकेट आ गया। अब इसके अंदर मैं दोबारा कर्सर ले आता हूँ, एरो की के ज़रिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद ये दूसरे स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट वगैरह, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, तो ये देख लिए हमारे पास आ गए। फॉर एग्जांपल मैं यह कह देता हूँ कि सी, और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ये फोर रूट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इसके अंदर कोई प्लस माइनस का साइन लगाना चाहते तो दोबारा हम सिम्बल्स में आ जाएंगे, और सिम्बल्स के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीज़न का साइन है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे जितने भी साइन, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो हम वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर हमने इंटीग्रल दे देना है तो यहाँ पे वो हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रल के डिफरेंट जो सिंबल्स है वो सारे सिंबल्स आ जाते हैं। कोई भी सिंबल आप यूज़ कर ले तो उससे रिलेटेड हमारे पास वही सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर लार्ज ऑपरेटर है, जैसे समेशन का साइन हो गया, या जैसे दूसरे हमारे पास प्रोडक्ट के साइन वगैरह है, यूनियन के साइन वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं सम वाला साइन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हम उसके वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे मैंने वी लिख दिया और उसके नीचे मैं यहाँ पर यू लिखना चाहता हूँ, तो इसी तरह आप अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दोबारा डिज़ाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरे जितने भी हमारे पास लार्ज ऑपरेटर्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, फंक्शंस जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह, तो वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो जो भी ऑपरेटर्स आपको चाहिए तो वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप इसी तरह एक अपना जो इक्वेशन है जो ज़्यादातर रिसर्च पेपर के अंदर चाहिए होता है, तो इसी तरह आप वो बना सकते हैं। तो ये देख ले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी इक्वेशन बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। आप जस्ट पेपर पे अपना एक इक्वेशन लिख दें और इसी तरह आप उसको इंसर्ट टैब में जाके इक्वेशन वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इक्वेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बना सकते हैं। मैट्रिक्स अगर चाहिए तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरह के मैट्रिक्स वगैरह है, तो उसको भी आप बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स वगैरह, तो वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, लॉग हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो भी एक मैथमेटिक्स इक्वेशन के अंदर चाहिए, तो वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सिंबल के अंदर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सिंबल्स आपको नहीं चाहिए तो आप ये छोटे से ट्राइंगल के ऊपर, ड्राप डाउन लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर ले तो ये देख ले ये ग्रीक लीटर्स आ गए। इसके अलावा लेटर के सिंबल्स वगैरह, इसके अलावा ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू वगैरह, वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एरोज़ अगर आपको चाहिए, मुख्तलिफ तरह के एरोज़ वगैरह, ठीक है, तो वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। आप दोबारा इंसर्ट में चले जाए तो यहाँ पर वो सारे के सारे सिम्बल्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आप मोर सिंबल्स में चले जाएं तो यहाँ पे वो हमारे पास वो डिफरेंट सिंबल्स वगैरह जो है वो सारे के सारे अवेलेबल है, और आप उन्हीं सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड भी करता जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कर लें, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हमारा जो प्ले लिस्ट है, उसी प्ले लिस्ट में चले जाएँ, और वहाँ पर आप इस तरह के बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।